आज हम बनाने वाले हैं आटे के मालपुए। बहुत ही टेस्टी होते हैं और कोई ज़्यादा झंझट नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमें कोई रबड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें चाशनी लेना है। इजीली ये आटे से बन जाते हैं और बहुत ही यम्मी होते हैं, एकदम क्रिस्पी भी होते हैं और साथ ही साथ ही अंदर से सॉफ्ट भी होते हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनका। तो आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कोई भी मिक्सिंग बाउल ले लीजिए और यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी आपको हमेशा आटे की क्वांटिटी से आधी रखनी है। मतलब अगर आपने शुगर यहाँ पे एक कटोरी ली है तो आपको आटा जस्ट डबल लेना है। शुगर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से शुगर को इस तरह से मिला के और मेल्ट कर लेना है आपको। नॉर्मल पानी है ये और इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। दूध डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो आप अच्छे से जो साइडों में क्रिस्पीनेस आती है ना, वो दूध की वजह से आती है। तो दूध थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। नॉर्मल दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, और फिर इसमें मैंने मिला दिया है आटा। तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर शुगर आप बहुत ज़्यादा कर दोगे, आप ये सोचोगे कि हम तो ज़्यादा मीठा खाते हैं और अच्छे से मीठे मीठे बनाते हैं, तो फिर इनको बनने में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि मालपुए में एक खास वजह होती है बिगड़ने की, कि जब हम इसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो ये प्रॉपरली बनते ही नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि क्या दिक्कत आती है ज़्यादा शुगर की वजह से। तो आप बने रहिए वीडियो में। अब देख सकते हैं अच्छे से ये बैटर स्मूथ सा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अब गैस पे आपको इस तरह से कोई भी फ्लैट जो पैन वगैरह है वो चढ़ा लेना, और इसमें मैंने अभी ऑयल डाला है। आप चाहे तो घी में बना सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छा लगे बना सकते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे मैंने मेजरमेंट बरोबर लिया, उसके बावजूद भी थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एक तो ये बिखर रहे हैं, साथ ही साथ बीच में से ना मोटे रहते हैं और साइडों में से पतले हो जाते हैं। या तो ये नीचे चिपकेंगे या फिर हम अगर इनको चिमटे से पलटने की कोशिश करेंगे तो ये चिमटे पे भी चिपकते हैं। तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो है ना ये ज़्यादा मीठे हैं, इनको मीठे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो सेम प्रॉब्लम आती है। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा और पानी और इसमें मिक्स करके और स्मूथ सा फिर से बैटर बना लेना है और फिर इनको बनाना है, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बिल्कुल बिखर रहे हैं, मतलब या तो बहुत ज़्यादा मीठे हो गए या फिर बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, इसका जो टेक्सचर होता है ना बैटर का, वो आपको ध्यान रखना विशेष ज़रूरी है। और देख सकते हैं आप अच्छे से मालपुए बन सकते हैं। ये थोड़े थोड़े बिखर रहे थे तो फिर मैंने हल्का सा आटा और पानी मिला के अच्छे से इस बैटर को तैयार किया था, और फिर अब मैं नेक्स्ट बैच में आपको बताऊँगी। बिल्कुल परफेक्ट बन रहे थे, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ये अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे ना, तो आपके मालपुए अच्छे से बनेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना है और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये वैसे ही मीठे होते हैं, इनमें अलग से हमें चाशनी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको मालपुए खाने का मन करे तो आप इस वाली ट्रिक से ज़रूर बनाएं, बहुत ही यम्मी होते हैं। और देख सकते हैं आप अच्छे से बन रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना ये चिमटे के चिपक रहे हैं और ये इक्वली बरोबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में से बहुत मोटे हैं और साइडें इनकी जो है ना वो बहुत पतली रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जब आपका जो शक्कर का मेजरमेंट है, और अगर जो ये बैटर है ये बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो मोटे मोटे बनेंगे, और अगर पतला होगा तो फिर ये या तो बिखर रहेंगे और या फिर ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, जो मतलब बिल्कुल जाली जाली वाले हो जाएंगे, तो ऐसे भी अच्छे नहीं लगते। तो आप चाहें जैसा, आप थोड़ा सा सबसे पहले एक एक डाल के चेक कर लीजिए, फिर जब अच्छे से बनने लग जाए तब आप ज़्यादा एक साथ डाल के और इसका सारे बैच आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे मालपुए बन के तैयार हो गए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।